दोस्तों आज हम सीखेंगे एक ऐसा मेथड जिसके थ्रू आप कोई भी पॉलीनोमियल इक्वेशन को आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है 1 + x^5, इसको निकालने के लिए। तो इसको आप सॉल्व करने के लिए अगर बोल रहा है तो आप अगर नॉर्मल वे में सॉल्व कीजिएगा तो काफी टाइम लग जाएगा। या मान लीजिए आपको दिया a + b^4, इसको सॉल्व करने में क्या टाइम लगेगा। या a + b^6 ये निकालना है तो इस सब निकालिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर नॉर्मल वे में आप निकालिएगा तो मैं बता रहा हूँ तरीका जिससे आपका काफी इजी वे में हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे आप लिख दीजिए यहाँ पे 11, ठीक है। ये 1 अगर कोई पॉलीनोमियल इक्वेशन है, मान लीजिए 1 + x^n है, तो अगर n 1 हो तो उसके इसमें 11 हो गया। अब n अगर 2 हो, यहाँ पे 2 मैं लिख नहीं रहा हूँ, 2 हो तो यहाँ 1 लिख दीजिए, ठीक है, और इन दोनों का ऐड कर दीजिए। 1 और 1 क्या हो गया, 2, 1 to 1 हो गया। n अगर 2 रहा तो 3 रहा, 3 यहाँ लिख दीजिए, 3 रहा तो 1 1 ऐसे लिख दीजिए, 1 यहाँ पे लिख दीजिए, 1 यहाँ लिख दीजिए। अब ये 1 2 को ऐड कीजिएगा क्या आएगा, 3 आएगा, ऐड करते जाइए, फिर 2 1 को ऐड कीजिएगा क्या आएगा, 3 आएगा। तो 3 किस में क्या आएगा, 1 3 3 1। अब ये कहाँ यूज होगा मैं बताऊंगा। अगर 4 है तो 4 के केस में सेम वे में प्रोसीड करेंगे, ये देखिए पिरामिड की तरह बनते जाएगा। 1 1 इन दोनों का ऐड कीजिए, 4 आ गया, इन दोनों का ऐड कीजिए, 6 आ गया, इन दोनों का ऐड कीजिए, 4 आ गया, 1 4 6 4 1। 5 है, 5 के केस में सेम वे में हम प्रोसीड करेंगे, 1 और 4 5 हो गया। अब 4 6 क्या हो गया, 10 हो गया, 10 क्या लिख दीजिए, 6 10 क्या हो गया, 6 4 क्या हो गया, 10 हो गया। फिर 5 4 1 क्या हो गया, 5 हो गया। अब क्या हो गया मेरा, 1 5 10 10 5 1 हो गया, 5 के केस में। वैसे 6 के केस में 1 1 यहाँ लिख दीजिए। अब देखिएगा जैसे ये नंबर ऑफ डिजिट कितना आ रहा है, मतलब ये कितना वैल्यूज आ रहा है इसका, तो वो देखिएगा जो n का वैल्यू है उसका +1 आएगा। जैसे 2 के केस में कितना आया था, 1 2 3, 3 के केस में क्या आया था, 1 2 3 1 2 3 4। वैसे ही 6 के केस में 7 आएगा, 5 के केस में आया था 6 6। डिफरेंट नंबर्स आए थे, डिफरेंस सेम भी हो सकते हैं बट 6 नंबर्स आए थे। अब इससे 6 के केस में क्या हो गया, 1 5 को ऐड कीजिए 6 हो गया, 10 5 10 को ऐड कीजिए 15 हो गया, 10 10 को ऐड कीजिए 20 हो गया, 10 को 5 से ऐड कीजिए 15 हो गया, फिर ये 6 हो गया। अब ये देखिए सिमेट्रिक भी बन रहा है जो भी आप देख रहे हैं। तो एक तरह से ये आपका सिमेट्रिक बन रहा है, इधर से भी लिखिएगा तो सेम होगा, ठीक है। 1 6 15 20, इधर से कीजिए 1 6 15 20, ठीक है। 7 के केस में भी आप निकाल सकते हैं, 7 के 1 7 आप आगे नहीं आप निकाल सकते हैं, 21 इजी है, 35 देन 35 देन 21 7 7 और 1, आपको ये निकालने की जरूरत भी नहीं है, बस 35 में आ गए ना उसको रिड्यूस होते जाएगा। और एक केस में क्या आएगा, 2 मेरे को सेम डिजिट मिलेगा बीच में, जैसे 5 के केस में 2 10 मिला था, 3 के केस में 2 3 मिला था, ठीक है। अब इसको हम कहाँ यूज करेंगे मैं बता रहा हूँ, जैसे 2 के केस में ये हुआ ना, तो 2 के केस मतलब 1 + x^2, ये क्या होता है आपका, 1 + x^2 क्या होता है आपका, x^2 + 2x + 1। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 2 है, यहाँ 1 है, 1 2 1। तो ऐसे ही आप देख के बता सकते हैं, जैसे 1 3 3 1 निकला हुआ है, तो 1 + x^3 अगर 3 बोला है तो आपका x^3 से स्टार्ट होगा, जब भी ये जितना कोफिशियंट है वहां से स्टार्ट होगा, जो मैक्सिमम जो यहाँ पे कोफिशियंट है ना, मैक्सिमम जो पॉलीनोमियल वैल्यू है, कोफिशियंट नहीं पॉलीनोमियल वैल्यू है, वो वाला से स्टार्ट होगा। तो x^3 इसका कोफिशियंट क्या है, 1 है, ठीक है, +3 3x^2 हो जाएगा, अब +3x, ये देखिए घटते जाएगा, x³ फिर x² फिर x, अंत में आपका आ जाएगा 1, अंत में 1 सबका आएगा ही, क्योंकि हमारा लास्ट में 1 है सबका केस में। तो x^1 + x³ का फॉर्मूला भी यही होता है आपका, x³ + y³ + 3ab a + b होता है ही ना, a + b का क्यू निकालेगा तो, या 1 + x का क्यू निकालेगा तो 1 1³ + x³ + 3x * 1 + x यही होगा, तो सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका। वैसे ही आपका 1 + x^4 के केस में क्या हो गया,
1 4 6 1 4 6 4 1 यही है ना, एक्स टू द पावर 4 हो गया। अब फिर 4x³, अब घटाते जाइएगा, फिर 6 6x² फिर 4x फिर प्लस 1। ये आप वैसे निकाल के देखिएगा तो तभी वैसे ये सेम आंसर आएगा। मान लीजिए 1 प्लस x² निकालना है तो सेम वे में आप इसको डायरेक्टली लिख दीजिए, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। x^6 + 6x^5 + 15x^4 ऐसे करके रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ तक मिटा देता हूँ। अब देखिए मैं बता रहा हूँ कि इस फॉर्मूला का यूज इस केस में भी कैसे कर सकते हैं। ये जो आप पिरामिड बनाए थे उसको आप इसमें कैसे फॉलो कर सकते हैं, जैसे 8 + b^4, ये तो 1 + x के फॉर्म में था ना। आप मान लीजिए 8 + b के फॉर्म में अगर हो या x + y^4 के फॉर्म में हो, तब उसमें कैसे हम लोग सेम फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, a या b कुछ भी ले सकते हैं आप, क्योंकि सिमेट्रिक है। तो इसमें क्या होगा, उसमें भी सेम वे में फॉलो होगा। जैसे मान लीजिए 4 है ना, ये वाला उठाएंगे तो 8^4 ले लेंगे, फिर घटते जाएगा ये a³, फिर a² फिर a, फिर 1 2 3 4 5, फिर आ जाएगा आपका 1 नहीं, तो इसमें इस केस में आ जाएगा 8^0 फिर 8^1 इसको कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके ये बढ़ते जाएगा और b का जो कोफिशियंट है वो घटते जाएगा। यहाँ b^0 करना पड़ेगा, ये मतलब b का कोफिशियंट जो बढ़ते जाएगा, a का जैसे घटते आया ना, वैसे b का आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा आपका, ठीक है। जैसे a का आपका इस वे में इंक्रीजिंग है ना, तो b का इस वे में इंक्रीजिंग होता है। b^0 हो गया, b^1 ये हो गया, b^2 ये हो गया, b^3 ये हो गया, b^4, ठीक है। अब इसका कोफिशियंट बैठा दीजिए सेम वे में, इसका कोफिशियंट 1 था प्लस इसका कोफिशियंट था 4 प्लस इसका कोफिशियंट था 6 प्लस इसका कोफिशियंट था 4 प्लस इसका कोफिशियंट था 1, ठीक है। अब इसको b^0 ही होता है तो इसको सॉल्व कीजिएगा, 8^4 हो गया, 4a³b हो गया प्लस 6a²b² हो गया प्लस 4ab³ हो गया प्लस b^4 हो गया। अब आपको ट्रेडिशनल वे में आप सॉल्व कीजिएगा तो बहुत टाइम लगेगा, इस वे में आप सॉल्व कीजिएगा तो बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। वैसे ही a^+b^5 a^+b^6 ये सब तुरंत निकाल सकते हैं आप। वैसे 5-6 मोस्टली नहीं पूछता है, लेकिन अगर पूछ दिया तब भी आप इसको यूज करके आप इजीली बना सकते हैं। तो चलिए मैं स्टॉप करता हूँ वीडियो को, धन्यवाद।